क्या आप जानते हैं यूज्ड टू और वुड ऑफन में क्या फर्क है? बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यूज्ड टू या वुड ऑफन, दोनों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें गुजरे हुए टाइम की आदत की बात करनी हो, यानी जब हमें कहना हो गुजरे हुए टाइम में इस काम को करना किसी इंसान की आदत थी, तो वहाँ पे हम इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों में ये फर्क है कि अगर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वह आदमी उस काम को रोज किया करता था, यानी वह आदमी उस काम में पंक्चुअल था। लेकिन वहीं अगर आप वुड ऑफन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वह आदमी उस काम को रोज नहीं किया करता था, यानी वह उस काम को करने में पंक्चुअल नहीं था। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं क्रिकेट खेला करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आपको कहना हो मैं कभी कभी क्रिकेट खेला करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड ऑफन प्ले क्रिकेट, यानी मैं कभी कभी क्रिकेट खेला करता था। ये दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं, जहां मेरी आदत दिखाई गई कि मैं ऐसा किया करता था। लेकिन जब मैंने यूज्ड टू का इस्तेमाल किया तो वहां ये बताया गया कि क्रिकेट खेलने का काम रोज हुआ करता था, या इस काम में मैं पंक्चुअल था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने बोला वुड ऑफन, तो इसका मतलब हुआ कि क्रिकेट खेलना मेरी आदत तो थी, लेकिन ये काम मैं रोज नहीं किया करता था, यानी इस काम में पंक्चुअल नहीं था, कभी कभी किया करता था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि वुड ऑफन के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। बहुत सारे लर्नर फर्स्ट फॉर्म की जगह पर थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, जो कि गलत है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं रोज आइसक्रीम खाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज टू ईट आइसक्रीम डेली। लेकिन अगर आपको कहना हो मैं कभी कभी आइसक्रीम खाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड ऑफन ईट आइसक्रीम, यानी मैं कभी कभी आइसक्रीम खाया करता था। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं कभी कभी वहाँ जाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड ऑफन गो देयर, यानी मैं वहाँ कभी कभी जाया करता था। वह शिकार खेलने जाया करती थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी यूज टू गो टू हंट। लेकिन अगर आपको कहना हो वह कभी कभी शिकार करने जाया करती थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वुड ऑफन गो टू हंट, यानी वह कभी कभी शिकार करने जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि यूज्ड टू और वुड ऑफन में क्या फर्क है, और आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि इन दोनों से पास्ट में होने वाली किसी आदत को दिखाते हैं, और इन दोनों में यह फर्क है कि यूज्ड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि वो काम डेली हुआ करता था, यानी वो काम रोज हुआ करता था। वहीं वुड ऑफन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां हमें कहना हो वह काम रोज नहीं हुआ करता था, बल्कि कभी कभी हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो क्या कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।